आज मैं जो मेरे मोगरा का पौधा ख़राब हो रहा है उसको मुझे ठीक करना है, तो मैं हल्दी के द्वारा इसको ठीक करूँगी। तो क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताऊँगी। तो फिर शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से मेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। तो वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से हिबिस्कस के साथ, और हिबिस्कस का फ्लावर देखिए और कलियां देखिए ढेर सारी खिली हुई हैं। और मैं हर अपना वीडियो की शुरुआत हिबिस्कस के ही प्लांट के साथ करती हूँ, क्योंकि इस समय मेरे हिबिस्कस में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपने, और अभी ही मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। अगर आपके हिबिस्कस में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं आ रही हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अपना जो आज का वीडियो है, मेरा एक पौधा मोगरा का पौधा ख़राब हो रहा है। मेरे पास तीन पौधे हैं मोगरे के, उसमें से एक जो मेरा पौधा है वो बिल्कुल ख़राब हो रहा है, तो उसी को मुझे सही करना है। तो मैं हल्दी के द्वारा सही करूँगी। आपको शायद अपने बचपन का वो समय याद होगा जब आप खेलते थे और गिर जाते थे तो खुरच जाता था, तो घर से ही हल्दी पका के उस पर लगा दिया जाता था और ठीक भी हो जाता था। दो तीन बार लगाने से वो ठीक भी हो जाता था। तो ऐसे ही मैं अपने प्लांट पर करती हूँ और आज भी वही चीज़ करने जा रही हूँ। उसी के थ्रू मैं अपने प्लांट को सही करती हूँ। ऐसे ही घरेलू उपचार, चाहे फिटकरी का हो, चाहे सोडा हो, इन्हीं सब का यूज़ कर करके मैं अपने पौधों को बचाती हूँ। बाहर से फंगीसाइड और पेस्टिसाइड ये सब मैं कम ही खरीदती हूँ। जो बिल्कुल ही मरणासन पे होते हैं तो उन पे अप्लाई करती हूँ। जिसमें चांस होता है तो वो मैं उस पे मैं ये घरेलू उपचार ही करती हूँ और सही भी हो जाते हैं। मेरे ये प्लांट इतने सारे देखिए, तो मैं उन्हीं का प्रयोग करती हूँ। तो फिर कौन सा वो प्लांट है, चलिए देखते हैं और उस पे क्या करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा मोगरे का पौधा है और कटिंग के द्वारा लगा हुआ। मेरे पास तीन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तीन मोगरे के पौधे हैं, उसमें से एक ये पौधा है, दो अच्छे चल रहे हैं और एक ये पौधा है अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं येलो सी लीफ मुड़ी मुड़ी होने लगी, तो मैंने ऊपर से इसको कट कर दिया था। तो काफ़ी बड़ा पौधा था तो वो छोटा ही रह गया, लेकिन इसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो वो छोटा ही रह गया। तो वही, और ग्रोथ क्यों नहीं हो रही ये भी मैं जानती हूँ। लगातार बारिश हो रही है और प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, तो इसकी रूट में 100% फंगस लगी है, तो उसी का मैं इलाज करने वाली हूँ। तो तीन तरह से मैं इसके ऊपर इलाज करूँगी हल्दी से ही। तो सबसे पहले इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी पर मुझे वो उपचार करना होगा। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी हम जहाँ से जड़े दिखने लगे वहाँ तक हमको अलग हटा देना है। ये देखिए मिट्टी गीली लग रही है, इसमें मिट्टी सूखी हो ही नहीं पाती है क्योंकि लगातार बारिश होती है, फिर लगातार बदली बनी रहती है, धूप नहीं निकल रही है जिसके कारण ये सूखी मिट्टी हो। तो लगातार मिट्टी गीली होने से फंगस लग गई होगी जड़ों में, तो उसी का इलाज मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं मिट्टी ऊपर से खोद के निकाल लूँगी जहाँ तक इसकी रूट दिख रही है, दिखे। और जब फंगस लग जाती है, वैसे अगर प्लांट हेल्दी होता है तो आप ऊपर हल्का सा भी खोदेंगी तो रूट्स दिखने लगती हैं, लेकिन जब प्लांट बीमार होता है तो नीचे उसकी ग्रोथ ही नहीं होती है, तो रूट्स जो नीचे हो जाती हैं, ऊपर की सब ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे ही मिट्टी हम जहाँ तक रूट दिखे वहाँ तक हम निकाल लेंगे पूरा अच्छे से। पूरा जहाँ नीचे रूट अगर दिखने लगे वहाँ तक खोद दें इसको। और आपका भी कोई प्लांट अगर ऐसे ही स्थिति में हो या इससे भी ख़राब स्थिति में हो तो ऐसे ही करिए, 100% बच जाएगा, क्योंकि मैं अक्सर ये करती रहती हूँ। और देखिए ये यहाँ पर रूट दिखने लगे हैं, तो बस मुझे इतना ही मिट्टी निकालना है
ज़्यादा नहीं निकालेंगे क्योंकि वो भी फंगस का डर है। अगर हम ज़्यादा मिट्टी निकाल देंगे तो मौसम वैसा है तो उसमें भी डर रहता है। तो अब यहाँ पर हम ये हल्दी ऐसे डाल देंगे। अब ये अगर मिट्टी आपके पास सूखी हो, अभी मेरे पास तो सूखी मिट्टी नहीं है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरी कोई सूखी मिट्टी हो तो उसको यूज़ करें और आधी चम्मच उसमें हल्दी मिला दें। मेरी ये मिट्टी गीली है तो इसमें जो है फंगस वगैरह हो सकती है, इसलिए मैंने हल्दी को मिक्स कर दिया है। तो यही मिट्टी मैं ऊपर से डाल देंगे ऐसे, और पानी से थोड़ा सा बचा के रखिए। और अगर आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है तो इसको थोड़ा सा शेड में रखिए। मेरे यहाँ तो थोड़ी सी धूप आज निकली थी तो मैं ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप इसको शेड में रखिए। जब तक इसकी मिट्टी सूखी नहीं होती तब तक इसमें पानी मत डालिए। और जो अब हम मैंने ऊपर तक मिट्टी डाल दी, अब देखिए एक मग्घे में हमने पानी लिया है और इसमें हम एक चम्मच हल्दी घोल लेंगे। एक चम्मच है और अच्छे से घोल लेंगे। इसका आधा पानी हम पौधे पर अभी स्प्रे करेंगे। ये मैंने स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा हम पानी इसमें कर लेंगे भर के और अच्छे से स्प्रे कर देंगे ऊपर नीचे। अच्छे से पत्तियां और इसकी जो तना है और जो ब्रांच है वो खूब अच्छे से भीग जानी चाहिए, हल्दी का पानी इस पर पड़ जाना चाहिए। और फिर इसमें अभी पानी ये हल्दी वाला नहीं डालेंगे, जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी तब हम ये पानी इसमें डाल देंगे। और अभी ये पानी मैं दूसरे प्लांटों में डाले दे रही हूँ, लेकिन जब इसकी मिट्टी सूखी होगी तब फिर से हम ये पानी बनाएंगे और आधा पानी हम पौधे पर स्प्रे करेंगे, आधा पानी हम मिट्टी में डालेंगे। और ये ट्रीटमेंट आपको महीने भर करना है 7-7 दिन के अंतराल पर। लेकिन इसकी मिट्टी बार बार नहीं हटानी है, ऊपर से ही हम पानी ऐसे डाल देंगे और स्प्रे कर देंगे। से जिस भी पौधे पर थोड़ा सा लगता है आपको तो उस पे ये पानी डाल दें। तो लेकिन मिट्टी सूखी होनी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि इसमें बारिश का पानी ना पड़े, शेड में रखिए। तो शेड का मतलब ये नहीं कि आप उसको कमरे में रख दें, अगर धूप नहीं लगेगी तब भी आपका पौधा मर जाएगा, क्योंकि धूप लगना बहुत ही ज़रूरी है। धूप से ये जो मिट्टी में कीटाणु होते हैं वो मरते हैं, तो इसलिए वहाँ रखें जहाँ पर इसको सनलाइट मिले लेकिन बारिश का पानी ना मिले। बस बारिश का पानी तब तक बचाइए जब तक इसकी मिट्टी ना सूखी हो और नई कुछ कल्ले ना फूटते हों।